वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपको रेसिपी कैसी लग रही है, आपने नाहिद आपा की कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई की हैं, और आपकी अगर कोई क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। वी आर जस्ट एन ईमेल अवे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@ikra.tv पर। अब हम जानते हैं कि आपा हमें आगे क्या सिखा रही है। अच्छा, इसमें मैं इसको सिर्फ सॉटे करूँगी। तो ये चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, ये ऑयल किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश इट क्विकली। एज आई ऑलवेज से, जहाँ जहान शाह से हमने बहुत कुछ सुना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यू लाइक कुकिंग? आपको कुकिंग पसंद है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पता। ओह, खाना कौन पकाता है? मैं बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ। कौन से खाने? अरबी बनाती हूँ, चाइनीज बनाती हूँ, इटालियन बनाती हूँ, मैक्सिकन बनाती हूँ। मतलब अरबिक तो मुझे आपसे सीखने पड़ेंगे, मुझे तो अरबिक खाने बहुत पसंद है। अरबी तो मैं बहुत ग्रिप है। स्पेशलिटी क्या है जिहान? आप सबसे, अगर कोई आपसे पूछा आपकी फेवरेट डिश और आपकी स्पेशल डिश क्या है जो आप बहुत अच्छी बनाती हैं? बहुत सारी बहुत अच्छी। ये तो है ही सऊदी से, तो यू नो द अरबिक फूड मोर। बस आई एम योर स्टूडेंट। मतलब फेवरेट कौन सी डिश है आपकी? मुझे अरबिक, अरबी मंदी, कूजी, कब्सा, रस बुखारी। और वहाँ पे इफ्तार में क्या होता है? इफ्तार में वहाँ पे समोसा होता है, कुबेबा होता है, कुनाफा होता है, बसबूसा होता है। हाँ, वहाँ समोसा, हम जैसे समोसा बोलते हैं, संबूसा। हाँ, वहाँ ये बोलते हैं, मगर उनकी फिले हमारी जैसी तो नहीं होती। नहीं, बिल्कुल वो डिफरेंट। मिर्चें नहीं है बस। हाँ, मिर्चें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जो है इसको हमें सिर्फ ग्रिल करना है, और बहुत कोई अच्छा अरोमा आ रहा है, और कोई स्पेशल मसाले नहीं है। एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर किचन, एंड दिस इज समथिंग, आप इसको रूखा खा ले। इसको मैं सिर्फ इसको कुक करूँगी, और आपको मैं सिर्फ एक चीज़ और दिखा दूँ कि ये मैंने बड़ा सिंपल, आपने क्या करना है, व्हाट यू विल डू इज, आपने इससे, मैं थोड़ा सा योगर्ट निकाल देती हूँ इसके साथ, जो मैं एक, इसके साथ हुमस जाता है, ठीक है, मगर आई एम नॉट यूजिंग हुमस। मैंने इस योगर्ट के अंदर आई जस्ट पुट 6 or 7 चिकपीस मैश कर ली थी, और आई एम जस्ट टेकिंग 1 बॉइल्ड पोटैटो मैश्ड, आई एम पुटिंग दिस हेयर, एंड आई एम पुटिंग गार्लिक, और इसमें आई एम पुटिंग थोड़ा सा लेमन जूस। ओके, ठीक है, ये आपने इसमें मिक्स किया, और इसमें ये है सिनेमन, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। हाँ, सॉल्ट, जस्ट मिक्स इट अप, और जब तक हम आपको सुनेंगे मैं सिर्फ बता दूँ कि दिस वॉज द पीटा ब्रेड, ये मैंने टोस्ट करके रखी हुई है, एंड वी जस्ट पुट द फिलिंग इनसाइड। ओके, आई कवर्ड इट, एंड हमको इसमें फिलिंग करनी है। Alright. और जो हम फिलिंग करेंगे, दिस विल बी द पर्पल कैबेज एंड द ग्रीन कैबेज एंड कैप्सिकम एंड योगर्ट, एंड वी डू द फिलिंग। बस अब हमने सुनना है जहान शाह को, बिकॉज द वे यू टॉक, कहते हैं ना, कोई बातें होती हैं जो दिल में उतर जाती हैं, और आपका बार बार सुनने को दिल चाहता है। आई थिंक यू आर गिफ्टेड बाय गॉड विद दिस थिंग, एंड दिस इज समथिंग विच रियली हिट्स द हार्ट। एग्जैक्टली, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और तौफीक दे, और हमें सुनने की और अमल करने की। थैंक यू बेटा। कहते हैं जबान में हर एक ही असर नहीं होता, लेकिन जहाँ पे बात आती है, क्योंकि हम और आप सब लोग सुन रहे हैं जिहान से, और बातें इतनी प्यारी प्यारी और दिल पर असर कर जाने वाली, तो यहाँ पे मैं कहूँगी जिहान आपकी ज़बान में असर है, कि आप जो बातें बोलती हैं वो दिल को लगती हैं। जिहान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेहमान नवाजी, आजकल का जो माहौल है, इट्स बिकम क्वाइट टफ, बहुत टफ एज कैजुअल है, वुमेन भी वर्किंग हैं तो मर्द हज़ार तो वर्किंग होते ही हैं, उसके बाद फिर बच्चों पे पढ़ाई का, दे हैव बीन बर्डनाइज्ड विद द स्टडीज़ अलॉट, तो मेहमान नवाजी एक बर्डन सा लगने लगा है, बहुत सारी जगहों पे देखा गया है। कहते हैं मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज करें, और हम अपने दिमाग को किस तरीके से साफ़ करें इस मामले में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں
मनकाना युमिनु बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफा, कोई ऐसा जो भी मुसलमान है अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और आखरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मेहमान की जो है वो इकराम करें। इकराम का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि वो तकलीफ़ा है ही नहीं। हमारे पास अगर कोई मेहमान आता है और हम उसके सामने कुछ भी रखते हैं तो वो ये कहता है कि तकल्लुफ क्यों किया है, जबकि वो तकल्लुफ़ है ही नहीं, वो तो इकराम है, वो उसका इकराम है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेहमान जो है ना वो अपना रिस्क तो खुद लेकर आता है और घर वालों की जितनी भी आफतें हैं, गुनाह हैं, वो सब अपने साथ पीछे पीछे ले जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक सहाबिया जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शौहर के लिए जो है वो शिकायत लेकर आई कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान लेकर आते हैं, मैं थक जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, तो उनको ज़रा आप ये तलकीन करें कि वो थोड़ा कम मेहमानों को लेकर आया करें। तो वो चली गई ये शिकायत करके, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके जो शौहर थे उनसे उनकी मुलाकात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनको कि इस तरीक़े से ये चीज़ है और अब तुम एक काम ये करो कि अपनी अहलिया के पास जाओ और उनको ये कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के घर पर आज जो है वो मेहमान बनकर आ रहे हैं और वो खाना खाएँगे तुम लोगों के पास। तो वो इतना खुश हो जाती हैं और तरह तरह की जो है जितना भी उनके पास, क्योंकि वो सादा ज़िंदगी जितनी भी उनके पास चीज़ें थी वो बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, खुश हो रही हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनके सामने वो चीज़ें सारी रखी गई, उन्होंने नोश फरमाया, उन्होंने खाया और उसके बाद उन्होंने उनके शोहर को यह तलकीन की कि जब मैं घर से निकल रहा हूँ तो अपनी ज़ौजा से ये बात कहना कि वो मेरे पीछे देखे। तो उन्होंने इसी तरीके से जाके अपनी ज़ौजा को ये बात बता दी तो उन्होंने ये देखा कि उनके घर की जितनी आफतें, बलाएँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रही हैं। अब इसमें हम ये है कि आज के दौर और पुराने दौर, एक तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि पुराने दौर में और आज के दौर में कुछ फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला का बेहतरीन इंसाफ एक चीज़ में ये दिखता है कि जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी वही 24 घंटे मिले हैं, वही दिन और रात है, वही गर्मी सर्दी है, वही सब कुछ है। अब जो मेहमान बन के जा रहा है उनके क्या फराइज हैं? उनके ये फराइज है कि एक तो आप अर्ली इन्फॉर्म कर दें और जब वो जा रहा है तो उसके जहन में ये चीज़ हो कि मुझे उनको किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं देनी, कोई ना कोई हदिया लेकर जाएं, कोई चीज़ लेके जाएं, इससे ये कि दिलों में मोहब्बत का जो एक रिश्ता है वो एक ताल्लुक पैदा होता है। बहुत प्यारी बातें जिहान ने बोली हैं, वो ये कि हमें मेहमानों से परेशान नहीं होना, वो अल्लाह ताला की रहमत है, साथ में वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं और ज़रा ये सोचें कि शायद वो रिस्क में आपके लिए भी रिस्क लेकर आए हों, आपके दस्तखान पर बरकत लेकर आए हों। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम वापस आके शर्मा की रेसिपी भी देखते हैं जो कि फ्यूजन है और उसके बाद हम जहान से भी अच्छी बातें जानते हैं। स्टे ट्यून्ड टू इकरा टीवी। फ्यूजन शावरमा। इंग्रेडिएंट्स: सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चॉप्ड गार्लिक फ्राइड 2 टेबलस्पून, चिली ऑयल 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/2 teaspoon, boneless chicken strips 300 grams, cooking oil as required, yogurt 1/2 cup, chickpeas mashed 8 to 10 pieces, boiled potatoes mashed 1/4 cup, pita bread 4 to 5, chopped purple cabbage 1/2 cup, chopped green cabbage 1/2 cup, chopped capsicum 1/2 cup.